तो दोस्तों Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है Redmi का 8, और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये जो Redmi का 8 है वो 9th ऑफ अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है। इसकी जो दोस्तों प्राइसिंग है वो 7999 रखी गई है। हालांकि दोस्तों ये जो प्राइस है वो मतलब स्टार्टिंग के जो 5 मिलियन यूजर्स हैं उनके लिए सिर्फ है, उसके बाद जो परचेज करेगा उसके लिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब उसको 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 4GB रैम 64GB वेरियंट के लिए। इसी प्राइस पे आपको 3GB रैम 32GB रैम मतलब बाद में देखने को मिल जाएगा, अभी ये थोड़ा सा 1000 रुपये कम का देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से कुछ दोस्तों इसकी प्राइसिंग है। हालांकि दोस्तों अगर हम इस फोन की प्राइसिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है जिस प्राइस पे ये लॉन्च किया गया है, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम Redmi के 7 से इस फोन को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिग्रेडिंग फोन देखने को मिलता है, वो मैं आगे चल के वीडियो में बताता हूँ कि आखिर ये कहाँ पर डिग्रेड किया गया है, इसके लिए वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सपेक्ट जो सामने निकल करके आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो आपको 6.22 इंच की देखने को मिल जाती है, जो कि एक HD+ वाली डिस्प्ले है, कोई शिकायत नहीं है। IPS LCD वाली डिस्प्ले है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन के साथ। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 5000mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी है और इस प्राइस पे मतलब काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। और इसमें अच्छी बात ये है कि यहाँ पे 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। हालांकि डिब्बे में आपको ये जो चार्जर है वो देखने को नहीं मिलेगा, अलग से परचेज़ करना पड़ेगा, बट स्टिल ये फ़ोन चार्जिंग सपोर्ट करता है 18 वॉट की। इसके साथ दोस्तों अगर हम फोन के कैमरे की बात करें तो 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दे रखा है। यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है उसका जो सेंसर है वो सोनी का IMX363 सेंसर दे रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा सेंसर निकल करके आता है, जो कि आपको पोको में देखने को मिला था और वन प्लस की कुछ डिवाइसेस थी उनमें आपको ये जो सेंसर है वो देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो कैमरा है वो काफ़ी अच्छा कैमरा दे रखा है। और साथ ही यहाँ पे अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे P2i कोटिंग देखने को मिल जाती है और स्प्लैश प्रूफ रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको USB टाइप सी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम इस फोन के डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दे रखा है, मतलब यहाँ पे ऑरा डिज़ाइन दे रखा है, Xiaomi ऐसा बोलता है, लेकिन मुझे पर्सनली ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन लगा और जो पीछे का कैमरा सेटअप है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। साथ ही दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हो कि जितने भी Redmi के फ़ोन होते हैं उसमें IR ब्लास्टर आपको देखने को मिलता ही है, इसमें आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे FM रेडियो, वायरलेस FM रेडियो भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों इस फ़ोन में देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ डिग्रेड की गई है इस फ़ोन में वो यहाँ पे प्रोसेसर है, और Redmi के 7 में आपको Snapdragon का 632 प्रोसेसर देखने को मिलता था, यहाँ पे Snapdragon का 439 देखने को मिल रहा है। स्टिल दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रोसेसर की तो इतना ख़राब प्रोसेसर नहीं है, बट अगर हम कंपेयर करते हैं Snapdragon के 632 से तो ऑफकोर्स डाउनग्रेड तो है ही। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि Redmi को मतलब अगर अपग्रेड नहीं करना था तो स्टिल डाउनग्रेड भी नहीं करना चाहिए था, बट ये थोड़ी सी कमी दे रखी है इस फ़ोन में। बाकी ये फ़ोन ओवरऑल अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और मेरे हिसाब से इस प्राइस पे काफ़ी अच्छा पैकेज निकल करके आ जाता है, लेकिन जब प्रोसेसर ही थोड़ा सा मतलब और अच्छा दे देते तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता। लेकिन अब बाकी आपका क्या कहना है इसी फ़ोन के बारे में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हो इसकी तरफ, इस प्राइस पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। और हाँ दोस्तों एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ और भी निकल करके आई है Xiaomi की तरफ से, और Xiaomi ने कंफर्म कर दिया है कि 16th ऑफ अक्टूबर को Redmi Note 8 और Note 8 Pro इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितना एक्साइटेड है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना था, Redmi 8 के बारे में मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर जो डाउनग्रेड चीज़ थी इस फ़ोन की वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहो तो ले सकते हो, ऑप्शन अभी भी अच्छा ही है। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, नीचे जो रेड वाला बटन है उसे ज़रूर से दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।